So yesterday night I came to fill up the water over there, filter. और ये देख के मेरा हार्ट अटैक आ गया, लगा कोई इंसान खड़ा है, कौन आया मेरे लोग को चढ़ाई वाली साइड में देखो। सो वी आर लीविंग नाउ और तीन चार फोर्ट्स देखेंगे फिर वापस टू दिल्ली। दिस इज द स्मॉलेस्ट लिफ्ट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। ओके सर, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज सर, पड़े ला। So this is how we are inside the lift. Why are you touching me? Bus. So this is the next day on exploring local food nearby. Sir, you want to buy? Chole. Chole butter and aloo paratha. One plate aloo paratha and one plate chole butter. Okay. Done. To be honest, आज बहुत ही cloudy day है जयपुर में। दिस इज आलू पराठा, छोले आलू पराठा एंड छोले, सम अचार एंड ग्रीन चिल्लीज, छोले आलू पराठा। सो आफ्टर हैविंग ए वेरी लाइट ब्रेकफास्ट वी डिसाइडेड टू विजिट आमेर फोर्ट, जो कि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के दूरी पे था, और हमने वहाँ पर स्ट्रेट जाना शुरू कर दिया। वेदर वॉज ग्रेट, सन नहीं था, काफ़ी क्लाउडी था, जो कि घूमने में हमारी बहुत मदद किया। फिर हमने देवी सिंहपुरा पहुँचा और वहाँ से हमने आमेर फोर्ट के लिए क्लाइंब, जो कि स्टीप इंक्लाइन था और काफ़ी ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन था, हमारा स्कूटी ने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिया मेरा और हमारा सबका वेट। सो हमने टिकट किया, एक गाइड हायर किया, फिर इन द एंड हम ऊपर पहुंच गए और आमेर फोर्ट के अंदर चल दिए। दरवाजे को बोलते हैं, वो तो है सूरज पोल और ये चांद पोल, ईस्ट और वेस्ट सन निकलता है, सूरज चांद निकलता है। मुंह तो मैंने कौन से राजा का महल बताया सर? मानसिंह। राजा मानसिंह का आर्मी, हाथी घोड़ा ऊंट आज भी हाथी आते हैं। 16वीं शताब्दी 1500 और यहाँ पे परेड हुआ करती थी, आर्मी का परेड ग्राउंड है। वो बोलता है आमिर गाँव, दीवार दिख रहा आपको जी, सो मैंने वास्तव वहाँ पे नगाड़ी हुआ करते थे ड्रम, जैसे दुश्मन अटैक करता नगाड़ों को पीट कर रहा है। एक हजार साल पुराना दीवार था, वो पूरा डैमेज हो गया, अभी गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया, 48 करोड़ का दीवार नया बनाया गया। ये जो दीवार है ये पुराना दीवार था 11 करोड़। हिंदू आर्ट, नीचे फूल पत्ती, हर मार्बल पे फूल पत्ती मुस्लिम, ये टोटल मुस्लिम आर्ट है, ये ऑर्गेनाइज कलर है, दिखाएंगे नीचे आपको जी। इसमें देखिए गॉड ऑफ द गणेश है, हिंदू फूल, एक अच्छा रिलेशनशिप था हिंदू और मुस्लिम का सर। रानियां किले में नहीं आती थी, आर्मी पब्लिक मिनिस्टर महल में नहीं जाया करते थे जी। तो रानियां झरोखे में से बैठ के दीवाने आम को देखता ओके। लेकिन कोई बंदा रानियों को नहीं देख पाता, पीछे ब्लैक कर्टन करना पड़ता ओके। इसके अंदर दो पार्ट है, मानसिंह और जयसिंह, फादर एंड सन। जयसिंह हैज टू वाइफ, बेटे के दो बीवी, दो बीवी के लिए बिना बिजली का एयर कंडीशन, बिना बिजली का हीटिंग सिस्टम अंदर, पर जयसिंह के फादर महाराजा मानसिंह सो मेनी वाइफ।
ठंडा पानी, इस चैनल से गर्म पानी आता था, इस चैनल से ठंडा पानी आता था, तो टीवी सो गया, इस चैनल से क्रॉस करेगा सामने धान का पार्ट टैंक, धान ही आता था सर जी। ये अंदर ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा है सर। दिवाली खास वेर ये रहा, ये जो ग्लासेस है ना, ये कोई सिंपल ग्लास नहीं है, ये है पारा और चांदी ना, मेरे को ये सिल्वर रिफ्लेक्शन। 10 ग्लास कमरे के अंदर ऑयल लैंप, एक ऑयल लैंप से 2 मिनट रिफ्लेक्शन, ऐसा कौन नहीं सुन रहा सुधर पूरा। तो ये कमरा गर्म हो जाया करता था क्योंकि पारा और चांदी हमेशा हीट करता है, बहुत महंगा होता है, बहुत पब्लिक आता है तोड़ता है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, फिर एक बार लगा दिए। दीवाने आम मैंने बाहर दिखाया था सर, दीवाने खास सर, ऐसे बटरफ्लाई, एलिफेंट ट्रंक, कपल द कोबरा, स्कॉर्पियो, बैकवर्ड द फिश, लोटस, सनफ्लावर, बटरफ्लाई, हेड ऑफ द डियर, नो डियर हेड जी जी, वन मोर इज आउल, थ्री हाथी का कान। सर कितना छोटा काम है काले पत्थर का, वेरी वेरी इसका इलेवर कैसे तो काटे कैसे लगाया गया हुआ, इसीलिए जयपुर को बोलते हैं वर्ल्ड में स्टोन कटिंग पॉलिश के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। इतनी ठीक मॉर्निंग ना, सही गए। सर एक फिल्म देखी जोधा अकबर जी, अमिताभ की बहू ने यहाँ पे मुंह बांध के तलवारबाजी की थी और वहाँ पर देव कर दी। सर ये वो आता ना क्या नाम, पैर चला गया सर। कोई नहीं, ये है हमारे रावण हता जी, यहाँ का लाइव एस्टीमेट संगीत के लिए सर। सो आफ्टर टेकिंग ए टूर ऑफ आमेर फोर्ट, ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे और हमारा दिल्ली का बस वॉज एट 3:30 PM फ्रॉम सिंधी कैंप। सो हमने वापस आना शुरू किया, दोनों स्कूटी को वापस किया, 600 पर स्कूटी वॉज द चार्ज फॉर अ डे, थोड़ा हल्का फुल्का खाया और बस पकड़ के दिल्ली चल दिए। सो ओवरऑल इट वॉज वन ऑफ ए काइंड एक्सपीरियंस, पहली बार जयपुर विजिट किया, हर गली में This place has something to offer, beautiful people, vibrant place और such a wonderful rich history. Wish और एक दो दिन यहाँ रह पाते but needed to head home, but surely next time. Wish you had fun watching this video और थोड़ा बहुत experience मिल गया होगा आपको about जयपुर। So until next time, bye bye.